नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, गर्दा उड़ा के शेयर कर दीजिएगा और वीडियो देखने के बाद भैया अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले भैया खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। खेसारी लाल यादव का एक गाना भैया, जिस गाने का नाम था, सबसे पहले तो आया देवरे से रंगवावेली एंगल म्यूजिक से, उसके बाद भैया जब आदि शक्ति के यूट्यूब चैनल से खेसारी भैया का गाना आया, तबाही मच गया। और इतना बड़ा जबरदस्त तबाही मचा कि जो पवन सिंह के चमचे यूट्यूबर है सबका फट के हाथ में आ गया। उसके बाद भैया 2 रुपया वाला जो गाना था, उसके बाद एक गाना आया था रंग बरसे भीगे चुनर चोली। इस गाने पे भी भैया काफी ज्यादा विवाद हुआ। पवन सिंह के जो चमचे हैं वो विवाद पर ही उसका चैनल चल रहा है, और खेसारी लाल यादव का नाम ले लेकर के कितना दिन चैनल चला गया बताइए ना, और कितना दिन अपना स्टार का इज्जत ढकेगा बताइए ना। यदि किसी बाथरूम को, यदि किसी लेटरिन को आप ढांकते हैं ना, कितना दिन ढकिएगा, एक दिन मुहाकबे करेगा, समझे ना। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को बता दें पवन सिंह का भी एक गाना आया भैया वाइल्ड म्यूजिक वाइट से, जिस गाने का नाम था लहंगवा लस लस करा था। चलिए भैया गाना जो है नहीं अच्छी बात है, लेकिन ये गाना एक दिन में 10-12 मिलियन व्यू अचीव कर लिया और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार इस गाने को बधाई देने लगे। लेकिन उस स्टार को यह मालूम नहीं है जो पवन सिंह का गाना है उस गाने पे एड जोड़वाया गया, गाने में एड लगाया गया, उसके बाद पवन भैया का गाने का व्यू भगाया गया। उस सब स्टार को यह मालूम नहीं है, सबको बोल रहा पवन सिंह बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनाया पवन सिंह का कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना है। यदि गाने में एड लगाते हैं आप, उसके बाद आपका एड के द्वारा बदौलत व्यू आता है, उसके बाद बोलिएगा बड़ा रिकॉर्ड है एक दिन में, तो ये गलत बात है। आप लोगों को बता दे भैया, बहुत सारे पवन सिंह के चमचे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने गर्दा उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे बेशरम, जरा शर्म करो। गाने में एड लगाना भैया बुरा बात नहीं है, गाने में एड लगाइए, गर्दा उड़ा के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दे भैया, गाना बोल देना कि गाना बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है गाने में एड लगाने के बाद, ये गलत बात है। खेसारी लाल यादव का गाना जाके देखिए ट्रेंडिंग में अभी भी चल रहा है, काजल बदल गई। उसी दिन पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ लहंगा लस लस कर रहा था, जरा समझ लीजिए भैया आप, ठीक ना। खेसारी लाल यादव का एक और गाना आया था, समझे, क्या नाम था, सलवरवा लंगा इस टाइप से, लहे लहे रंग सलवरवा इस टाइप से जो गाना आया था, वो तो गाना भैया मतलब इतना जबरदस्त तबाही कर दिया कि क्या बताएं आप लोगों को। आप समझ सकते हैं जो गाना भैया 22 सेकंड में 163 के व्यू अचीव कर लेता है, वो गाना ट्रेंडिंग में नहीं जाता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं। हम तो भैया यही समझते हैं कि पवन भैया के गाने में हेड लगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं भैया 22 सेकंड में यूट्यूब जो है ना नोटिफिकेशन नहीं भेज सकता है, 22 सेकंड में नोटिफिकेशन नहीं भेज सकता है। तो 22 सेकंड में भैया 163 के यानी 1,63,000 व्यू कैसे आएगा, आप लोग बताइए। आप ही लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भैया, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबों को पता हो सके खेसारी लाल यादव का गाना तबाही मचाया है। और पवन सिंह का मतलब बहुत सारे न्यूज चैनल में भी चल रहा है कि पवन सिंह का गाना देखिए तबाही मचा दिया, लेकिन उसको ये नहीं बोल रहा है कि पवन सिंह के गाने में एड लगा, क्योंकि बोलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फोन से गाली गलौज उसको होने लगेगा चैनल वाले को, इसलिए कोई बोलता नहीं है, समझे ना भैया। हम लोग तो गाली सुन सुन के पक गए हैं, समझे ना, जो हकीकत बात है वही बोल रहे हैं भैया। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है, वही ट्रेंडिंग स्टार रहेगा, चाहे उसको गिराने के लिए कितना लोग लग जाए, समझे ना। और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक खेसारी लाल यादव का ही गाना आया है, और उन्हीं का गाना आएगा और उन्हीं का गाना चलेगा। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी का औकात नहीं है भतीजवा के मौसी जिंदाबाद इस गाने का रिकॉर्ड तोड़े। इस गाने का व्यू जो है ना बॉलीवुड लेवल का, बॉलीवुड में नहीं है इतना व्यू होली सॉन्ग का, और लाइक तो भैया 1 मिलियन, मतलब इतना बड़ा तबाही मचा दिया है, इतना बड़ा तबाही मचा दिया है गाना कि क्या कहें आप लोगों को। और भतीजवा का मौसी जिंदाबाद खेसारी लाल यादव का ये भैया देवी गीत 100 मिलियन व्यू क्रॉस किया है। खेसारी लाल यादव का ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े दिग्गज स्टार थे भैया, बड़े बड़े दिग्गज स्टार खेसारी लाल यादव से पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा,
और खेसारी लाल यादव ने इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि उस तरह का रिकॉर्ड अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बना नहीं है। सबसे पहले तो भोजपुरी में 100 मिलियन वाला होली गाना किसी का नहीं हुआ है, 100 मिलियन देवी गीत किसी का नहीं हुआ है। बताइए किसी स्टार को, तो बताइए कमेंट करके। अब बहुत सारे बेशरम आदमी बोलेंगे कि पवन सिंह का गाना राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, अब राते दिया पुता के पिया क्या क्या किया इतना शब्द में भैया कहूँ को बता दीजिए कि भोजपुरी शब्द है। अब एगो बेशरम आदमी बोल रहा है कि जाके रितेश पांडे का गाना सुनो ना, देखो कितना व्यू चला गया। अरे बेशरम जरा शर्म करो, हेलो कौन, अरे हम बोल रहे हैं इसमें कहूँ को कहूँ जगह सुने कि एकरा में हम बोलो तानी, मतलब हिंदी गाना है, हिंदी गाना है, भोजपुरी की बात करो ना भाई। जबरदस्ती अपना इज्जत मना स्टार का इज्जत बचाने के लिए क्यों बोलते हो इतना मिलियन है वो है वो है, भोजपुरी की बात करो, समझे। अभी विसर्जन के दौरान आप लोग जानते होंगे भैया एक लड़की का एक लड़की के ऊपर डीजे गिर गया। अब डीजे गिरने के बाद भैया आप समझ लीजिए विसर्जन में सिर्फ खेसारी लाल यादव को तो गाना बजेगा नहीं, सभी स्टार का गाना बजेगा, लेकिन मदद करने कौन पहुंचे, खेसारी लाल यादव। अखिलेश कश्यप ने खेसारी भैया को वो वीडियो भेजा जिसके ऊपर डीजे गिर गया था लड़की के ऊपर, वो क्लिप वायरल हुआ तो अखिलेश भैया के पास है और अखिलेश भैया क्या किए उसको भेज दिए इनके पास, खेसारी भैया के पास। अब खेसारी भैया जब से उसको देखे तुरंत बोले इस लड़की का पता लगाओ कहाँ की रहने वाली है, उसका घर पे गए तुरंत मदद किए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार नहीं है क्या, सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पहले कौन गए, तो खेसारी लाल यादव। छपरा में घर जल गया तो कौन गए, खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव के जैसा अभी बनने में भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार को 7 जन्म लगेगा, समझे ना। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये बात है भैया। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, समझे। और आप लोगों को बता दें इस बार भी होली में खेसारी लाल यादव का ही गाना तबाही मचाएगा और हर साल मचाते आया है, समझे ना। और पवन सिंह का गाने का व्यू गया है भैया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन एड के द्वारा गया है, समझे ना, गाने में एड के द्वारा गया है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं मान सकते। व्यू गया है और गाने में एड लगाना भैया बुरी बात नहीं है, ये बार बार हम कह रहे हैं, समझे ना। तो आप लोग सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, खेसारी लाल यादव को जिस तरह प्यार दे रहे हैं उस तरह खेसारी लाल यादव को आप लोग प्यार दीजिए। जिस तरह गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है उसी तरह आप लोग गाने को ट्रेंडिंग में भेजते रहिए, समझे ना। ये पब्लिक का काम है गाने को ट्रेंडिंग में भेजना, यूट्यूब नहीं भेजता है। जब तक खेसारी भैया का गाने को सुनेंगे नहीं गाना कैसे ट्रेंडिंग में जाएगा। अब खेसारी भैया अपना गाना में पेड प्रमोशन लगा देंगे तो आपको लगता है कि गाना जाएगा ट्रेंडिंग में, कभी नहीं जाएगा। तो जो बोलते हो ना कि पवन सिंह ने एक जबरदस्त इतिहास रच दिया रिकॉर्ड बना दिया उसको रिकॉर्ड नहीं कहते हैं भैया। यदि आपका गाना ट्रेंडिंग में जाता ना, आपका गाना ट्रेंडिंग में जाता तब समझिए हिट था, नहीं तो ऐसे गाना हिट नहीं है। एक दिन में 20 मिनट चला गाना म्यूजिक ट्रेंडिंग में भी नहीं है यार। खेसारी लाल यादव अभी का और अभी भी खेसारी लाल का गाना 2 नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है, समझे ना। तो ज़्यादा अपना स्टार का इज्जत बचाने का प्रयास मत करो, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है खेसारी लाल यादव कैसा है, पवन सिंह कैसा है, सब अच्छा है अपना अपना जगह में, लेकिन जो यूट्यूबर हैं आप लोग भौंकिए मत, ठीक ना। और आप लोग बोलते हैं तब हम लोग बोलते हैं, समझे ना, और उसी के बीच में पवन भैया टारगेट हो जाते हैं। अब पवन भैया टारगेट हो जाते हैं तो बस तुरते लाए बा करके रोल देने लगते हैं कि उतर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो तुम लोग अपना स्टार को मतलब क्यों घुसवाते हो महाराज, तुम लोग अपना स्टार का न्यूज बना, हम लोग खेसारी लाल का न्यूज बनाएंगे। और खेसारी लाल को इतना न्यूज बनाते हैं हम लोग उसी में तो गर्दा उड़ा के चलता है, हम लोग विपक्षी वाला बनाएंगे क्यों बताइए। और लोग कुछ मिलता नहीं तो छकवा है, ये है वो है, ये तुमको लगता है खेसारी लाल यादव छक्का है भाई, तो तुम एक काम करो अपना घर का टेस्टर भेज दो खेसारी लाल यादव के पास, मतलब 9 महीना लगता है जी, उससे पहले तुमको रिजल्ट पता चल जाएगा खेसारी लाल यादव क्या है, समझे ना। तो ज़्यादा भौंको मत, अपना काम करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छा ठीक है, शेयर नहीं करेगा तो जितना पब्लिक देख रहा है वो लोग शेयर करेगा क्या जी। और हमारा चैनल पहले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना देर आप लोगों को चार्ट लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, खराब लगा तो अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा भैया कि क्या करना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।